हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपके लिए नरेशन का एक्सरसाइज टू। आज हम एक्सरसाइज टू करेंगे। टू करने से पहले हमें समझना जरूरी है रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट आए तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। और दूसरी बात, चेंज इन टू, से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल और सेज टू को टेज में चेंज करते हैं। आइए एक्सरसाइज में समझते हैं। राम सेज, राम कहता है, राम सेज, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। आई को चेंज करेंगे राम से यानी कि सब्जेक्ट से, तो ही टेंस चेंज नहीं होगा इसीलिए इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है अमित सेज, अमित सेज, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। राजू विल राइट ए लेटर। हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि राम सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अमित सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और टेबल में हम यहाँ देख सकते हैं कि से को से में और सेज को सेज में ही चेंज करते हैं। ही विल से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल से, से की जगह पर हम से ही लिखेंगे। सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डेट का यूज। अनमोल हैज ए डॉल, इसमें भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ डेट का यूज किया गया है एज ए कनेक्टर। विल लगने से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दे से राहुल विल बी लेट। दे से, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। राहुल विल बी लेट, इसमें भी हम एज ए कनेक्टर डैट का इस्तेमाल किए हैं। द क्रो विल से डैट, आई को चेंज करेंगे द क्रो से, मतलब इसकी जगह आप लिखेंगे इट कैन नॉट सिंग सो वेल। The old man says to his son, says to को हम चेंज करेंगे टेज में। आप यहाँ टेबल में आकर देख सकते हैं। The old man says to को टेज, TELLS, टेज, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। आई को चेंज करेंगे the old man की जगह पर, he needs some मनी। नीड के साथ हम नीड्स का प्रयोग किए हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तब वर्ब साथ एस या ई एस जुड़ जाता है। नेक्स्ट, ही विल से टू मी, उसने मुझसे कहा यानी कहेगा। ही विल से, तो ही विल और से टू को हम टेल में ही चेंज करते हैं, TELL, टेल मी डैड। आई को चेंज करते हैं हम ही से, तो इसके जगह पर ही इज नॉट टेलिंग ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू हिज फादर, आई हैव डन माई वर्क। ही सेज टू को टेल्ज में, टेल्ज हिज फादर, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। आई को चेंज करेंगे ही यानी सब्जेक्ट से, 123 बटा सन को यूज करते हुए। ही हैज डन, अब माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, हिज वर्क, सेंटेंस सिंपल होने की वजह से बार बार कनेक्टर का यूज डैट का डैट किया जा रहा है। आई यानी आई से टू अंशु, से टू को टेल, TELL, टेल अंशु, अंशु, सेंटेंस सिंपल है इसीलिए डैट। यू को चेंज करेंगे अंशु से इसीलिए ही इज, माई को चेंज करेंगे आई यानी सब्जेक्ट से, तो माई का माई ही रहेगा,
बेस्ट FRIEND फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज में, हरीश विल से टू मी यू हैव स्पॉइल्ड माय पेन। हरीश फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, इसीलिए हरीश विल और से टू की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे TELL। टेल मी सेंटेंस सिंपल, इसीलिए डेट यू को चेंज करेंगे मी से, 123/7 का इस्तेमाल करते हुए। आई हैव स्पॉइल्ड, माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, यानी कि हरीश हिज पेन। हरीश विल से टू मी, बार बार बताया जा रहा है सी टू। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेंटेंसेस के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, और साथ ही साथ चेंज इनटू टेबल, क्योंकि जब भी हम चेंज करेंगे तो हमें दो बातें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, और कौन किस में चेंज होगा इस टेबल में शो किया गया है। आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।